वेलकम टू कॉरिशियस किचन। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। फ्रेंच टोस्ट बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, और इसे और भी न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ और भी ऐड किया है। आजकल लॉकडाउन की वजह से सब बच्चे घर पर हैं, तो उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और नया चाहिए खाने के लिए, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाना। सबसे पहले हमें दो अंडे चाहिए, जिन्हें हम तोड़कर बाउल में डाल देंगे और विस्क कर लेंगे। अंडे को अच्छे से विस्क से या फिर फॉक की हेल्प से फेंट लें। अब इसमें मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। अब इसमें एक पिंच या एक चुटकी दालचीनी पाउडर डाल लें। अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए एक चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, प्लेन खाना है, तो आप इसे सिंपल प्लेन ही रहने दें। कस्टर्ड पाउडर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो डालें, नहीं तो इसे रहने दें। अब इसमें डालनी है चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो उसका 1.5 चम्मच डाल लें, नहीं तो नॉर्मल जो चीनी होती है वो 2 चम्मच डाल लें। अब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है, तो एक बार अच्छे से फेंट लें या फिर विस्क कर लें। यहाँ पर अब मैं इस बैटर को एक फ्लैट बाउल में निकाल रही हूँ, ताकि मेरी ब्रेड इसमें अच्छे से डिप हो जाए। अब फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए एक नॉनस्टिक तवे को हीट करना है और उस पर येलो बटर की ग्रीसिंग करनी है। मैंने यहाँ अपने बैटर में सॉल्ट ऐड नहीं किया, तो बिल्कुल हल्का सा सॉल्टी टेस्ट के लिए मैं यहाँ सॉल्टेड येलो बटर यूज़ कर रही हूँ। अब आप बैटर को तवे के पास लेकर आएं और उसमें ब्रेड डिप करनी है दोनों साइड से और तवे पर रखनी है। अब मैं ब्रेड की ऊपर वाली साइड पर डाल रही हूँ सेसमे सीड्स, मतलब कि वाइट तिल। ये तिल खाने में बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही फायदेमंद हैं, तो हम अपने बच्चों को इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगाकर दे सकते हैं, वो आराम से खा भी लेंगे। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे और 1 मिनट के बाद इसको पलट कर देखेंगे। अब मैं ब्रेड स्लाइस को पलट रही हूँ, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरफ से ये बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और एक बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आधे मिनट के बाद आप ब्रेड को फिर से पलटें और चेक करें कि वो दूसरी साइड से रोस्ट हुई है या नहीं। फ्रेंच टोस्ट को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस गैस फ्लेम को मीडियम रखें और दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लें। और जिस साइड पे हमने तिल लगाए हैं, उस साइड को ध्यान से रोस्ट करें। अब और फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड को फिर से बैटर में दोनों साइड से अच्छे से डिप करके तवे पर डालें। फिर से एक बार दोनों स्लाइसेस के ऊपर तिल डाल दें और दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लें। एक साइड से रोस्ट होने में बस 1 मिनट ही लगता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब आधे मिनट के बाद फिर से पलटने के बाद तिल वाली साइड ऊपर आ गई है। आप देख सकते हैं ये तिल भी साथ में ही रोस्ट होते हैं, पर ध्यान रखें ज़्यादा रोस्ट ना करें, ताकि तिल जल ना जाएं। अब मैं फ्रेंच टोस्ट की प्लेटिंग कर रही हूँ। अगर फ्रेंच टोस्ट को आप अपने बच्चों के फेवरेट फ्रूट के साथ सर्व करें तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अब इसकी टॉपिंग के लिए मैं हनी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप या मैपल सिरप भी डाल सकते हैं। और ऊपर से स्प्रिंकल कर लें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर या फिर कैस्टर शुगर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सजेशंस एंड कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।